फ्यूल पंप के डीजल डिस्पेंसर्स में से जो डीजल निकलता है वो 100% डीजल होता है। सीएनजी के डिस्पेंसर्स में से जो गैस निकलती है वो 100% प्योर सीएनजी होती है। लेकिन फ्यूल पंप्स के पेट्रोल डिस्पेंसर्स में से जो पेट्रोल निकलता है ना वो 100% प्योर पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि उसमें 10% या उससे थोड़ा सा ज्यादा एथेनॉल मिला होता है, जिसकी वजह से इस तरीके के पेट्रोल को E10 फ्यूल बोला जाता है, जिसमें ई सिग्निफाई करता है एथेनॉल को और 10 करता है 10% को। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल बहुत पहले से मिलाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 1-2% एथेनॉल ही मिला होता था पेट्रोल के अंदर, लेकिन अब ये लगभग 10-11% तक पहुंच चुका है। तो क्या ये कंसर्न वाली बात है? देखो, अभी तक तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है। कार्स और मोटरसाइकिल जो अभी मार्केट के अंदर बिक रही है वो पिछले कई सालों से 10% एथेनॉल पर चलने के लिए रेडी है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी E10 पर चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन शायद आगे चल के ऐसा ना हो, क्योंकि सरकार 2025 तक ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का मार्क टच करने वाली है, यानी कि जो अभी एथेनॉल 10-11% पेट्रोल में मिलाया जाता है वो 2025 में 20% तक पहुंच जाएगा। और ये थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर कार्स और मोटरसाइकिल्स जो 2023 से पहले मैन्युफैक्चर हुई थी वो सिर्फ 10% एथेनॉल ब्लेंड पर चलने के लिए ही कंपेटेबल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 2025 में E20 फ्यूल को मैंडेटरी कर दिया जाएगा और आपकी सिर्फ 2 साल पुरानी गाड़ी E10 फ्यूल पर चलती होगी तो उसके इंजन पर कितना असर पड़ने वाला है? क्या यह असर बुरा होगा? और बुरा होगा तो क्या आपको कंपनी और सरकार से इसके लिए कोई सहायता मिलने वाली है कि नहीं? इस चीज के ऊपर मैंने इस वीडियो को डेडिकेट किया है और बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर समझाया है कि आपके साथ, आपकी गाड़ी के साथ क्या होने वाला है आगे चल के। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता था और शायद आप उनको सुनने के बाद थोड़े हैरान भी हो जाओ। तो चलो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों हमारी सरकार 2030 में आने वाले E20 फ्यूल को 2025 में ही लेकर आ रही है। ये वाली बात जानते हुए भी कि जो लाखों करोड़ों गाड़ियां हमारी सड़कों पर चल रही हैं वो E10 फ्यूल के साथ ही कंपेटेबल हैं और E20 के साथ नहीं। चलो जानते हैं, और सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। जो एथेनॉल होता है ना वो एक तरीके का एल्कोहल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल वॉलेटाइल होता है नेचर में, यानी कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाता है। ये हाईली फ्लेमेबल होता है एंड एथेनॉल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खुद का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है, यानी कि जब आप इसको अपनी गाड़ी में डालते हैं ना तो इंजन के अंदर जो इसका कम्बशन होता है ना वो कम्प्लीट होता है और कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, या फिर जो बचता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो कार्स के एमिशन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। और यही जो क्लीन एमिशन्स है ना, यही रीज़न है जिसकी वजह से इसको पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि जब आप इसको पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो जो गाड़ी के एमिशन्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है। अब एयर पॉल्यूशन में रिडक्शन तो एक बात रही, लेकिन ये अकेला रीज़न नहीं है जिसकी वजह से पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न फ्यूल इंपोर्ट्स को कम करना भी है, खासकर इंडिया जैसे देशों के लिए, क्योंकि जो हमारा देश है ना वो 3rd largest क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। और एथेनॉल के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसे शुगर से फर्मेंट करके बनाया जा सकता है, यानी कि कई तरीके की ऑर्गेनिक चीज़ों को सड़ाकर, जिसमें से एक गन्ना भी है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है, और इसीलिए जब हम पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला रहे होते हैं तब हम फ्यूल बाहर से मंगाने के बजाय अपने खेतों में उगा रहे होते हैं। एंड एक्चुअली इस एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट के खर्चे में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। फिस्कल ईयर 2022-23 में इंडिया ने $157 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ का। लेकिन क्योंकि हमारे देश ने 2024 के पहले 4 महीनों में 11.6% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया था, इसीलिए फिस्कल ईयर 2023-24 में ऑयल इंपोर्ट्स में 16% तक की कमी देखने को मिली थी। और इसीलिए इस साल जो हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का बिल बना था वो था $132.4 बिलियन का, यानी कि लगभग 11 लाख करोड़। यानी कि सिर्फ एक साल में ही एथेनॉल के अंदर पेट्रोल को थोड़ा सा और ज्यादा मिला देने की वजह से हमारे देश को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा था। और अब ताकि ये फायदा और भी ज्यादा बढ़े और भारत की फ्यूल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा कम हो, इसीलिए हमारी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करेगी। अब इतना सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, ये हमारे फ्यूल इंपोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकती है, और ये हमारी रूरल इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन क्या ये आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी अच्छी है? शायद नहीं। और उसके पीछे मेरे पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है एथेनॉल का कोरोसिव नेचर। एथेनॉल एक बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव कंपाउंड है, और अपने कोरोसिव नेचर की वजह से यह इंजन को बहुत ही जल्दी वेयर आउट कर सकता है, और मेनली उन पार्ट्स को जिनमें से फ्यूल होता हुआ गुजरता है, और खासकर वो पार्ट्स जो कि प्लास्टिक और रबर से बने हैं। यानी कि इसकी वजह से जो आपकी रबर से बनी हुई फ्यूल लाइंस हैं उनके अंदर क्रैकिंग आ सकती है, इरोजन आ सकते हैं, और स्वेलिंग हो सकती है उनमें। इसके अलावा जो सिलेंडर की हेड गैस्केट होती है वो जल सकती है, और सिलेंडर के बोर में स्कोरिंग हो सकती है। एथेनॉल के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है एयर फ्यूल मिक्सचर की।
एथेनॉल पेट्रोल जितना एनर्जी डेंस नहीं होता है, इसीलिए जब इसे पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है तो एक लीनर मिक्सचर तैयार हो जाता है। इससे आसान भाषा में बोले तो ये जो फ्यूल तैयार होता है इसके अंदर हवा ज्यादा होती है और जो एथेनॉल है वो जल्दी कम्बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर मिसफायर होने के चांसेस रहते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर ज्यादा बढ़ाने से इंजन की परफॉर्मेंस में भी कमी देखने को मिलती है, और सिर्फ परफॉर्मेंस में ही नहीं फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर भी कमी देखने को मिली है। और इस फ्यूल एफिशिएंसी की गिरावट वाली बात को तो भारत की सरकार ने भी माना है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रिलीज किए गए डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 17 में ये बताया गया है कि जब एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की टेस्टिंग गाड़ियों के ऊपर करी गई थी तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी में 6% रिडक्शन देखने को मिला था। अब इन्होंने तो 6% लिखा है, लेकिन जो फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट होगी वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करेगी, किसी गाड़ी के अंदर ये ज्यादा हो सकती है और किसी गाड़ी के अंदर कम। अब ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है ना, इनकी वजह से अगर E10 फ्यूल कंपेटेबल गाड़ी को E20 फ्यूल पर चलाया जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी के इंजन में वेयर एंड टेयर काफी ज्यादा होगा और इवन इंजन डैमेज तक हो सकता है। और इसीलिए अब जो गाड़ियां आ रही हैं उनको कंपनीज ने E20 फ्यूल के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए कई सारे बेसिक चेंजेस करे हैं और कई सारे एडवांस चेंजेस, जैसे कि कोरोजन से लड़ने के लिए ऑटोमोटिव कंपनीज ने हर उस कंपोनेंट के मटेरियल को बदल दिया है या फिर उसके ऊपर कोटिंग कर दी है जो कि फ्यूल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने वाला है। कंपोनेंट्स जैसे कि पेट्रोल टैंक्स, सील्स, गैस किट्स और फ्यूल लाइंस को अब ऐसे मटेरियल्स के साथ बनाया जा रहा है जो कि ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड वाले फ्यूल के लिए सूटेबल हों। इसके अलावा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से मिसफायर की प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसके लिए ऑटोमेकर्स ने क्लोज लूप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। क्लोज लूप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में लैमडार सेंसर को गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगाया जाता है और ये एग्जॉस्ट से पास होने वाली ऑक्सीजन और बाकी गैसेस को मॉनिटर करता है। जब इंजन क्लोज लूप मोड में होता है तब ECU लैमडार सेंसर के फीडबैक को स्टडी करता है और सेंसर के रिजल्ट्स को देखकर ECU गाड़ी के अंदर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लैमडार सेंसर को ये पता लगता है कि जो इंजन के अंदर फ्यूल का मिक्सचर है वो रिच है, यानी कि अगर फ्यूल के अंदर एयर कम है तो ECU फ्यूल कम रिलीज करने लगता है ताकि एक प्रॉपर बैलेंस वाला फ्यूल इंजन तक पहुंच सके। इन दोनों बातों के अलावा E20 फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों के ECU को भी ट्यून किया गया है ताकि इनसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी निकाली जा सके। अब इन इम्प्रूवमेंट से ये समझ में आता है कि जिन गाड़ियों के इंजन पर E20 का ठप्पा लगा होगा ना, उन गाड़ियों को आप E20 फ्यूल पर बिल्कुल आराम से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनीज के लिए E20 कंपेटेबल इंजन बनाना सिर्फ 2023 में ही मैंडेटरी किया गया था, और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले बनी है तो शायद E20 पर चलने के लिए कंपेटेबल ना हो, और अगर आपने अपनी E10 कंपेटेबल कार के अंदर E20 फ्यूल डलवाया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि E20 फ्यूल की वजह से होने वाले डैमेजेस के चलते कंपनी आपकी वारंटी तक वॉइड कर दे। जी हाँ, किया की इंटरनेशनल ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि अगर आप E10 कंपेटेबल कार्स के अंदर 10% से ज्यादा ब्लेंडिंग वाला फ्यूल डलवाते हैं और उसके प्रोलॉन्ग यूज की वजह से आपके इंजन के अंदर किसी भी तरीके का वेयर एंड टेयर या फिर प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को वारंटी के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जीप इंडिया के 2023 के ओनर्स मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि उनके नन फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन पेट्रोल इंजन में अगर 15% से ज्यादा एथेनॉल डाला गया तो इससे गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड हो सकती है। अब देखो, ये जो वारंटी वॉइड वाला डेटा है ना, वो मुझे सिर्फ इन दो ब्रांड्स का ही मिला है इंटरनेट के ऊपर, तो लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादातर E10 पर चलने वाली गाड़ियों की वारंटी E20 फ्यूल की वजह से वॉइड हो सकती है, क्योंकि सभी कार्स के ओनर्स मैनुअल पर ये लिखा होता है कि उनकी गाड़ी कौन से फ्यूल को एक्सेप्ट करती है, और अगर आप उसमें कुछ और डलवाते हैं तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपकी वारंटी वॉइड होगी ही होगी। जैसे सियाज 1.3 के ओनर्स मैनुअल पे लिखा हुआ है कि इस गाड़ी के अंदर 10% से ज़्यादा ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल नहीं डलवाया जा सकता है, और ऐसे ही आपको ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के ओनर्स मैनुअल पर ये देखने को मिल जाएगा। यानी क्लियरली अगर आप पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल डलवाते हैं तो इसके रेपरकशंस तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कंपनीज भी आपका साथ नहीं देने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी पुरानी गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, 2023 में तो सिर्फ इसको मैंडेटरी किया गया था, अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों को E20 फ्यूल पर चलने के लिए कंपेटेबल भी सिर्फ 2023 में ही बनाया हो, राइट? जस्ट लाइक एयरबैग्स, इंडिया के अंदर कार्स में 2 एयरबैग सिर्फ 2022 में ही मैंडेटरी किए गए थे, लेकिन कार मेकर्स वॉलंटरली ही पिछले कई सालों से 6-6 एयरबैग्स तक दे रहे थे अपनी गाड़ियों के अंदर, कई गाड़ियों के अंदर मतलब। अब यही जो वॉलंटरी और मैंडेटरी वाला सीन है ना, ये E20 फ्यूल की कंप्लायंस के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हुंडई, मारुति, टाटा, महिंद्रा, VW और बाकी जो कार ब्रांड्स है ना, उन्होंने अपने इंजिन्स को 2023 में ही E20 फ्यूल के लिए कंप्लायंट बनाया है, यानी जब सरकार ने जोर दिया तभी इन कंपनीज ने एक्शन लिया है। लेकिन इसके उलट टोयोटा का ये कहना है कि उनकी सारी कार्स 2013 से ही E20 फ्यूल पर चलने के लिए रेडी है, और होंडा का तो तक कहना है कि उनकी इंडिया में बिकने वाली सारी की सारी गाड़ियां 2009 से ही E20 फ्यूल के लिए रेडी हैं। यानी अगर आप एक पुरानी होंडा या फिर टोयोटा की गाड़ी ओन करते हैं या फिर इनकी यूज कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब इनकी कंपनीज के हिसाब से इन गाड़ियों के साथ तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उन लाखों करोड़ों गाड़ियों का क्या जो ऑलरेडी सड़क पर चल रही हैं और जो सिर्फ E10 को कंप्लायंट करती हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भले ही E10 वाली कार्स में E20 फ्यूल डालने से नुकसान होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एकदम से हो जाए, जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालने से होता है। ये करोजन रिलेटेड वेयर एंड टेयर है जो कि धीरे धीरे होगा, यानी आपकी गाड़ी तो चलती रहेगी लेकिन आपको टाइम टू टाइम कुछ चीजें बदलवाते रहनी पड़ेंगी, जैसे कि जो रबर के होजेस हैं आपको उनको बदलवाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कभी आपकी सील्स धोखा दे जाए तो आपको वो बदलवानी पड़ेंगी, यानी कि जो आपकी ओवरऑल विजिट्स होंगी मैकेनिक शॉप तक उनके बढ़ने के चांसेस हैं, यानी कि आपकी गाड़ी तो चलती रहेगी लेकिन आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो थोड़ा खराब हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो गाड़ी की फ्यूल माइलेज है वो भी गिरेगी, वो भी एक दिक्कत वाली बात है। देखो, ऐसे में मेरा मानना यह है कि ऑटोमोटिव कंपनीज को खुद से रेट्रोफिट पार्ट्स निकाल देने चाहिए अपनी पूरी की पूरी पुरानी गाड़ियों की रेंज के लिए, चाहे फिर वो कार्स हो या फिर मोटरसाइकिल्स हो, ताकि लोग इन्हें E20 फ्यूल डलवाने से पहले ही बदलवा सकें और अर्ली वेयर एंड टेयर से बच सकें। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक मैसेज है। अगर आप मेरी जैसी इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने डिटेल में बताया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, क्यों हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा रिलाय करना चाहिए और टू द पॉइंट टाइट स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाती है। ये कोर्स हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जो इन्फोटेनमेंट वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है। रिगार्डलेस, आप ऑटोमोटिव फील्ड में हो, आपकी फील्ड जियोग्राफी हो, आपकी फील्ड हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कोई सी फील्ड हो, मैंने ये कोर्स इस तरीके से बनाया है कि ये हर किसी के काम आने वाला है। तो अगर आप भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में E20 फ्यूल के बारे में अपनी राय भी जरूर छोड़िए। और हाँ, ये भी जरूर बताइए कि क्या आप भी सरप्राइज हैं होंडा और टोयोटा के बारे में जानकर। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये गाड़ियां E20 पर चल सकती है और मैं खुद एक होंडा ओन करता हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छी खबर है। चलिए, थैंक यू।